चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट्स? सो अब समय है कि आप लोग थोड़ा सा सोचना शुरू कर दो कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि क्या आपको थोड़ा सा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है या उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो फैला रखा है, बेफजूल का जिसे मैं बोलूँगा। चलो बेफजूल का नहीं, 2-4-5% ठीक है कि 2023 का पेपर काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा, ठीक है, बट वट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्ज़ाम विदाउट एनी कंप्लेंट? क्योंकि जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, मैं समझ सकता हूँ कि मेंटल लेवल कैसा रहा होगा, उन्हें लगा होगा कि पूरे साल तैयारी की है तो मैं भी या मेरा भी एग्ज़ाम होना चाहिए था। सो अब वो टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ कि एग्ज़ाम आएगा और मैं तैयारी शुरू करूँगा या करूँगी, या 1-2 महीने पहले पढ़ लिया, 20-25 दिन पहले पढ़ लिया, हो गया। अब नहीं, अब आपको सी सेट को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जितनी आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं या आपके मेन से ऑप्शनल जिसे भी आप दे रहे हैं। क्योंकि अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ या पेपर टू आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, जी एस पेपर टू जिसका नाम है, तो बेटा पूरे साल की मेहनत दांव पे लग जाती है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अगर आप अच्छा करके चलेंगे ना और पॉजिटिव रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द जर्नी, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी उसमें एक नई अपने सीरीज है हमारे पास, टॉप 5 क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज आज करते हैं। चलिए, तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है आपका, ये मैं सोच रहा हूँ बहुत टाइम बड़ा टाइम टाइम कुछ नहीं है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखा था ना कितने सारे अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार, DI कम कर दिया 2018 की तरह नहीं कि DI भर दी है, कम करके नंबर सिस्टम LCM SCM के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उनको अभी कहाँ करेंगे बताऊँगा आपको लेक्चर के एंड में। चलिए चलिए भैया, चलिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ये क्वेश्चन हो सकता है, हमने पहले भी डिस्कस किया बट अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। 55% टोटल वोट्स, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन टोटली लैंग्वेज बेस्ड है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैच द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज अगर मैं सीसेट 2023 की बात करूँ वहाँ पे भी यही था, लैंग्वेज कैचिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, बच्चों को लग रहा था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नंबर निकला किसके अंडर, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। सोल्यूशन के लिए आप फर्दर पिछली 2-3 वीडियोज देख सकते हैं, वहाँ पर नंबर सिस्टम मैंने सारा करवा दिया गया, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ वोट्स फॉर इनवैलिड, इसका मतलब 20% वोट्स मेरे इनवैलिड हैं, यानी अगर मैं बात करूँ 100%, तो बेटा 20% इनवैलिड हैं, तो कितने बचे मेरे पास, 80% बचे, हाउ मच, 80%। नाउ दिस 80% आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन विनर एंड लूजर, सो हियर वी हैव विनर, अगेन वी हैव लूजर, ओके। सो 20% ऑफ वोटर वर्स इनवैलिड, वन गॉट 55% टोटल वैलिड वोट्स, सो विनर गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, तो 55% ऑफ इट इज हाउ मच, 44, एंड रिमेनिंग 36% गॉट बाय लूजर, इजंट इट सीम्स इंटरेस्टिंग, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। If the total number of votes were 7500, it means the value of 100% is how much? 7500. So value of 1% is how much? 75. If value of 1% is 75, then the question is asking about 36%. So value of 36% is how much? 75 into 36. Answer is 2700. Option number B is the right answer of this beautiful question. सो बिना किसी डर के अगर आप रेगुलर अच्छे से तैयारी करेंगे ना बेटा, सी सेट में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं इंश्योर करूंगा आप जुड़ेंगे अगर हमारे साथ, मैं इंश्योर करूंगा इवन अ सिंगल पर्सन कोई भी 100 से कम मार्क्स में नहीं जाए। मैं क्वालिफिकेशन की बात नहीं करूँ, क्वालिफिकेशन से तो बहुत ऊपर, ऐसा हो, देखो मैं नहीं चाहता कि हमारे पास पढ़ने वाला एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जो आने वाले समय में, आने वाले टाइम में क्वालिफिकेशन की रेस में भागे। छोड़ दो उस रेस को, बाकी बच्चों के लिए छोड़ दो, भागने दो, हम जंप करके क्वालिफिकेशन की रेस में नहीं, हम 100 के आसपास का स्कोर में देखेंगे भैया कितने बच्चों के इतना 100 या 100 प्लस आ सकता है। इंश्योर किया जाएगा अच्छे से, इंग्लिश पे भी काम होगा, रीजनिंग पे भी काम होगा, क्वांट पे भी काम होगा, बट इट इज़ अ प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। जैसे अगर किसी पौधे पे फल लगना है, सो मैंने बीज बोए, एक दिन में लगेगा, पता नहीं कितनी बरसातें देखनी पड़ेंगी, कितने साल लगेंगे उसे। आम आम की गुठली अगर मैंने बो दी तो एकदम से तो सीड वो आपका फ्रूट नहीं दे देंगे ना, इट टेक टाइम, ऐसा ही, बिकॉज इन नेचर अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी चाहिए तो इट्स अ प्रोसेस, वो आपको
प्रोसेस से ही मिलेगी। जैसे मैं मकान बनाना शुरू करता हूँ, मैंने अपने घर बनाना है, तो पहले मैं ज़मीन लूँगा, फिर मैं खुदाई करके नींव में नींव अच्छे से करूँगा उसकी, देन कंस्ट्रक्शन होगी। दो दिन में काम नहीं होगा। अगर सॉलिडिटी चाहिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो इट टेक सम टाइम। सो बस यही वो चीज़ है जो बच्चों को समझनी पड़ेगी कि भाई वो टाइम देना पड़ेगा आपको, थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ेगा। दो दिन में तैयारी है, दो महीने में तैयारी नहीं होगी इसकी। क्योंकि अगर आप कहो लास्ट में भैया और भी जीएस भी तो आपके पास, उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश खाली कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, भैया नहीं आता, उसके भी टाइप्स हैं। पूरा पैराग्राफ एक क्वेश्चन, पूरा पैराग्राफ दो क्वेश्चन, पूरा पैराग्राफ तीन क्वेश्चन। कई बार तो पैराग्राफ ऐसा आ गया कि भैया पैराग्राफ ही नहीं समझ आ रहा क्या उसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है। तो रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए आपको, रीजनिंग को आसान मत लो। मैं तो आप देख ही चुके क्वांटिटी एप्टीट्यूड का लेवल क्या है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक वेन डायग्राम का। बिल्कुल, इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड 42 फेल इन इंग्लिश। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट वॉज। देखिए, इन एन एग्जाम 34% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स, सो इट्स अ वेन डायग्राम क्वेश्चन। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ कितना है, 34%, ठीक है, 42% फेल्ड इन इंग्लिश, 20% इन बोथ। इसका मतलब मुझे कुछ कॉमन एरिया चाहिए होगा। ये क्या मेरा 20%, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश कितना है मेरे पास, इंग्लिश कितना आएगा मेरे पास 42%, ठीक है। अब अगर मैं मैथ यूनियन इंग्लिश निकालना चाहूँ तो क्या होगा, मैथ का परसेंटेज इंग्लिश का परसेंटेज माइनस ऑफ इनका मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये मेरे पास वो एरिया आ जाएगा जो इसमें दोनों के दोनों फेल हैं, ठीक है। तो ये कितना है मेरे को, ये निकालना है मेरे को, मतलब यूनियन मतलब इकट्ठा। कि अब ये एक्चुअली क्या, अगर अगर इसमें एक भी पास होता ना, जब मुझे सोचना पड़ता, अब सारा डेटा फेल का दिया हो बेटा, तो ये कितना होगा 34 प्लस 42 माइनस 20, तो ये कितना हो गया 34 प्लस ऑफ आपका कितना गया 22, तो ये कितना हो गया आपका 56%। तो 100 में से 56 का कितने बचा, ऑप्शन नंबर 44%। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आपके पास अब आने लग गए, तो इसको ध्यान से कीजिएगा, डन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव स्कोर 80% इन फिजिक्स एंड 66% इन केमिस्ट्री एंड मैक्सिमम मार्क ऑफ बोथ द पेपर्स आर 100। कि मेरे पास दो पेपर हैं, अभिनव स्टूडेंट है उसने दिए हैं, पहले में उसका 80 स्कोर है और दूसरे में 66। सो फिजिक्स के टोटल मार्क्स 100 है, बट भाई साहब ने किया इसके 80% स्कोर, यानी फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं 80, ठीक है। नेक्स्ट है जी अपने पास केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के मैक्सिमम मार्क्स 100 है और इसमें कितना स्कोर है बच्चों मेरे पास, इसमें 66 स्कोर, तो प्लस करो कितना होगा 146 आ गया। मतलब पहले दो पेपरों में मिला के मैं इजीली कह सकता हूँ कि मेरे पास 146 स्कोर किया होगा स्टूडेंट ने, ठीक है। देख रहे हो कितने नंबर से रह गया, अगर सी सेट में स्कोर होता उसका होना नहीं था, 66.7 मार्क्स चाहिए मुझे, तो ध्यान रखना इसके बहुत ऊपर लेके जाऊंगा आपको, बट अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो। मैं दावा नहीं कर रहा, मुझे पता है 7-8 साल के एक्सपीरियंस में मुझे इतना तो एटलीस्ट पता है कि पेपर की डिमांड क्या है, कि ये पेपर अगर ये मांग रहा है तो नेक्स्ट में क्या मैक्सिमम पूछा जा सकता है, समझ गए। तो इस तरीके से आप मोल्ड आउट करूंगा ना सिलेबस, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके चैप्टर होने शुरू हो जाएंगे अपने आप आप कहोगे सर और बिना आपकी तैयारी को छेड़े, या मैं बात करूँ ऑप्शन या आपके मेंस या किसी जीएस की तैयारी को छेड़े, बिना हो सकती है सी सेट की तैयारी, अगर आप करने के मन से आओ मेरे पास। अगर आप जुड़ोगे अभिमन्यु आईएएस के साथ तो आपको पता चलेगा कि व्हाट द क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग, बिकॉज खाली बातों से तो सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा ना स्टूडेंट्स। जब आप सिलेबस करोगे ना, आपको पता चलेगा ब्यूटीफुल नेचर ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। एक्चुअली अभी तक क्वांटिटी एप्टीट्यूड या मैथ को बड़ा रूड माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है बिकॉज द वे नहीं पता मुझे। जैसे मुझे अगर राइड पे जाना बाइक पे ले लद्दाख पे, दिखता दूर से बड़ा सुंदर है, बट जब जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि कितना उबड़ खाबड़ रह गया, कहाँ पे बारिश है, कहाँ पे क्या है। सो दैट इज़ द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ दैट कोर्स, ओके। सो आपको करना पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है। तो ध्यान से रखिए, प्लीज़ कीजिए, उम्मीद करूँगा समझ आई होगी मेरी बात, ठीक है। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकियों को भी बताओ कि कितना ज़रूरी है अभी से तैयारी करना।
ठीक है जी। अब मेरे को क्या बोला है उसने, वट परसेंटेज डज इज स्कोर इन मैथ विच इज ऑफ 200 मार्क्स। अब देखो मैथ्स के पास क्या है भैया, अच्छा यहाँ पे भी मैथ्स हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज लेके बैठे हैं भाई साहब, 200 मार्क्स मैक्सिमम है, कि 80% ओवरऑल चाहिए। देखो 80% ओवरऑल ये कितना है, 100, 200, 400, यानी 80% ऑफ 400 ये कितना होगा मेरे पास क्या ये 320 होगा, ये बताओ मुझे। यस इट इज 320। इसका मतलब मुझे ओवरऑल जो स्कोर चाहिए ना 320 सही होगा मुझे। अभी मेरे पास कितना आ चुका है, 8, यानी 146 आ चुका है। सो 320 माइनस 146, देखो 200 के लिए कितना चाहिए, 54 प्लस 200 के बाद 120, ये तो कितना हो गया 174। कैलकुलेशन समझ आई, नहीं आई तो समझो। देखो मैं माइनस माइनस करने पे बिलीव नहीं करता, मैं प्लस करने पे बिलीव करता हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास 146 है, मुझे जाना किस पे, मुझे जाना 320 पे। तो मुझे एक बैरियर पता चल गया भैया कि यहाँ पे बीच में एक 200 आएगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 120 चाहिए और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 54 चाहिए। अभी इतना तो करना पड़ेगा, 54 प्लस 120 इज 174, इतना को इतना तो मेरे पास टाइम है ही है। तो 174 आउट ऑफ हाउ मच, 200 आंसर इज 87%, इज इट। तो क्या आंसर है मेरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो समझिए इंपॉर्टेंस इस चीज की क्या है, समझिए। कई जगह मैथ को ना मेंटल एबिलिटी भी लिखा होता है रीजनिंग के साथ, जब हम जोड़ते हैं उसको, क्यों लिखा होता है टू इंक्रीज। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर क्यों पढ़ते हैं मैथ तो आएगा ही नहीं। भैया मेंटल लेवल इंक्रीज होता है आपका इससे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होती है इन चीज़ों से, समझिए इस बात को, आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। हर एक चीज़ का महत्व है लाइफ में जो आपके पास है, हर चीज़ का, हर चीज़ का महत्व। आपने ABCD पढ़ी वो भी रीजनिंग में काम आ रही है, आपको पता था उस टाइम जब आप ABCD सीख रहे थे नर्सरी प्री नर्सरी या LKG या KG में, कि भैया आपको ये पढ़नी पड़ेगी भैया प्ले वे में जहाँ भी आप गए होंगे, कि आपको ये काम आएगा, बट अब रीजनिंग में काम आ रही है आपको अमेरिका आपकी अल्फा सीरीज में। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट गॉट 40% मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, इफ द पासिंग मार्क्स फॉर 60% ऑफ द टोटल मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर। देखिए मेरे पास 0% मार्क्स है और ये मेरे पास 100% मार्क्स है, क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अ कैंडिडेट फॉर 40% मार्क्स, ये मेरे पास है 40% मार्क्स और ये है मेरे पास पासिंग मार्क्स, मुझे कुछ नहीं पता, पासिंग मार्क्स है 60%, ठीक है। वो कह रहे हैं गॉट 40% मार्क्स एंड फेल पर 30 मार्क्स, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 30% में कितना 20, सो 20% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 30, सो 100% कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय फाइव, आंसर इज 150, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना इन तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। सो करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, बट आपको जुड़ना पड़ेगा हमसे, कैसे जुड़ेंगे अभी बताऊंगा आपको लेक्चर के एंड में। चलिए, इन अ कॉलेज नंबर ऑफ बॉयज इज 75% दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 35, ऑन अ पर्टिकुलर डेट 20% बॉयज वर एब्सेंट, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज दोज हु वर प्रेजेंट। इजी क्वेश्चन है, देखो क्या दिए, सबसे पहले बॉयज है मेरे पास और गर्ल्स हैं। वो क्या कह रहे हैं, देखो 75% की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है मेरी 3/4, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसे, ध्यान से देखें ना, 75/100, ये रेशो को परसेंटेज हो गया मैंने रेशो में कन्वर्ट, ठीक है। अगर चार वैल्यू थी तो 3 रह जाएगी, कि गर्ल्स अगर 4 हैं तो बॉयज कितने हो गए मेरे पास, 3 हो गए। डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 35, द क्वेश्चन इज सेइंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस 1 है और इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए मेरे पास, 105। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग नाउ, 20% बॉयज वर एब्सेंट, की 20% तो आए ही नहीं, तो इसका 20% क्या होगा, इसका 1/5 यानी माइनस ऑफ 21, तो रिमेनिंग कितने बचे, शायद यही प्रश्न में पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु वर प्रेजेंट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट है बस, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब आप लोग कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ मैं बताता हूँ आपको ईजिली। देखो कोर्स स्टार्टिंग 10th of July, सो नेक्स्ट वीक से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। टाइमिंग रहने वाली उसकी 3 से 4:30, ठीक है। ये 4 डे अ वीक होगा, टोटल लेक्चर कितने हैं, 180 प्लस। अब इतना करने के बाद भी मैं देखता हूँ भैया सी सेट में 100 प्लस स्कोर आपका कैसे नहीं आएगा,
100 प्लस ही आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये 90 लेक्चर तो आपके कोर्स में रहेंगे, ठीक है, ये तो आपको 90 लेक्चर करवाए जाएंगे जिसमें 50 क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्या रीज़न है इसको बढ़ाने का कि आप लोगों को समझ आए, 25 भैया लॉजिकल के, ठीक है, और 15 मिलेंगे आपको इंग्लिश, देख लो 15 लेक्चर्स रीजन इंग्लिश के, 25 लॉजिकल के, ठीक है। इसके साथ आपको क्या वैल्यू एडिशन लेक्चर्स मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 15 लेक्चर प्रीवियस ईयर लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस के 50 प्लस मिल रहे हैं, और लाइव मेंटरशिप लेक्चर मिलेंगे 30 प्लस, जिसमें आपको सारा अच्छे से बताया जाएगा, एक डेप्थ में बताया जाएगा भाई क्या है। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ना है या नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत है तो आइए और जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको पता चलेगा कैसे किस चीज़ को टैकल करना, फोबिया कैसे निकालना है। अभी से बच्चों ने एडमिशन लेके अभी से वो इंजॉय कर रहे हैं इनको, रीज़न एक दिमाग से डर निकालने की ज़रूरत है कि व्हाट अबाउट द अपना व्हाट अबाउट सी सेट, कि कैसे क्रैक करना है, कोई वो यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ है, बट अगर आप करने की कोशिश इसको करें, अगर आप उन चीज़ों को टारगेट करें जो इजी हैं एज़ कम्पेयर टू, पहले उनको करें जो आपके पास मुश्किल है, इजी चीज़ों को करेंगे तो आपका माइंड खुलेगा, स्टेबल रहेगा। प्लस आपको देखो यहाँ पे वीकली डाउट सेशन मिल रहा हूँ जूम, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, कि वीकली जो हमने किया आप रिलेटिव टीचर से पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे किया था, या कोई भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके साथ, वो है मेरे माइक्रो कोर्सेस, यानी मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी टारगेट कर सकता हूँ जो मुझे मुश्किल लगता है। कैसे, लेट मी टेल यू, रुकिए मेरे पास एक मिनट आइए। देखिए इसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरा, ठीक है, वो जो हमारी क्लासेस शुरू हैं 10th से उसका लिंक भी मिल जाएगा, और आपको इस माइक्रो कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप और फर्दर डेप्थ देखना चाहें तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी इसको टारगेट कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। माइक्रो कोर्सेस देखिए, नंबर एक, आप यहाँ पे अपने दर्जी का मोबाइल नंबर रखिए, कॉल मी या व्हाट्सअप, जैसे आप कंफर्टेबल हैं टीम वैसे ही आपसे जुड़ेगी, ईमेल आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जैसे मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ 317 का सिर्फ 370 रुपये का, क्या है इसमें 21.88% क्वेश्चन इन मैथ एंड मेंटल एबिलिटी वर फ्रॉम दिस टॉपिक इन प्रीवियस प्रीलिम्स एग्जाम, यानी तकरीबन 22% जो क्वेश्चन है ना किससे आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से आए थे। सिंप्लीफिकेशन से कितने आए, 15 से 16%, तो सिंप्लीफिकेशन को भी हम बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ सकते स्टूडेंट्स, 9% से। तो यहाँ पे जब आप जाओगे ना, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 9%, अब बढ़ गया होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसका बढ़ गया होगा लास्ट पेपर के बाद, ठीक है, बस तो अपडेटेड ही है। अब आपको यहाँ से एक्चुअली कुछ करने की जरूरत है, आपको एनालिसिस मिला हुआ है इनडायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप टारगेट करें और माइक्रो कोर्सेज को देखिए, आपके पास यहाँ पे 6 मिनट का ट्रायल भी दिया हुआ है, मिल क्या रहा है। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस हैं, 10 लेक्चर से 9 वेब नोट्स है, वेब नोट्स मतलब जो थ्योरी प्रॉपर बननी चाहिए वो सब इसके अंदर आई हुई है। सो प्लीज़ अगर समझ आए आपको पता चले तो 10th of July से हमारा नया बैच है, उसे अवेल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरों को बताइए कि देखो यहाँ पे कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, आप बच्चे ही हमें बताएंगे कि क्या अच्छा करना चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, और प्लीज़ सी सेट पे अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, वरना एंड के 2-3 महीने में इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा ना कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी रह जाते हैं, तो वो सिचुएशन प्लीज़ अवॉइड करनी है हमें, ठीक है, जब भी हमारे अच्छे नंबर से क्वालिफिकेशन होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।